शांत हो जाओ। मैं लॉर्ड स्पीकर हूं तो तू क्या है? पूरी दुनिया जानती है तेरे बारे में, और ये भी जानती है कि तेरी बेटी का रिश्ता क्यों टूटा। अगर तू ऐसे ही बकबक करती रही ना तो सारी जिंदगी घर बैठी रहेगी। मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अमा, जो कोई भी कुछ भी बात कर रहा है, करने दो प्लीज, असर मत होने दो। आओ आओ मधु, यू जस्ट कम। अमा प्लीज कम, प्लीज काम डाउन, काम डाउन, बस 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 काम डाउन। दूर फिटे मुंह, सारी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। आ गए पुत्र। ओ मामा मामी कितने ने तेरे? ओए आ गए जी। ओ जय माता दी वीर जी, भाभी जी। ओ चंगा कीता जी, आ गए ने टाइम ते। जीजा जी, जय माता दी। जय माता दी। दर्शन कैसे रहे जी आपके? बहुत अच्छे जी। मेरी कुड़ी ने तंग ते नहीं कीता तानू? तंग करण वाली की गल है भाई? तुसी एक कुड़ी तुहाडी नहीं साड़ी भी कुड़ी है। हाँ जी वीर जी, ऐ ते गल है। अच्छा पुत्र, और मन्नत मांग ली अपने स्टॉप करन वास्ते? ओहो मम्मा, स्टॉप नहीं टॉप। ओए होए, बात तेरे समझ में आ गई है ना, तो बस ठीक है। हाँ हाँ, मैंने माता रानी से प्री किया है कि मैं जल्दी से सीए टॉप करूँ और बिल्कुल रमन भैया जैसे बन जाऊँ। yes, ओ ते ठीक है, पर कोई मुंडा शुंडा भी मांग लेंदी ना अपने लई। हो मम्मा प्लीज। तोशी भाई, और रमन कब आ रहा है? रमन वीर जी शांति घर पहुंच जाएगा। तोशी बहन जी छेती आओ, स्यापा पे गया, स्यापा पे गया। ओए पम्मी, ओए की हो गया? ओए ओ की स्यापा पे गया? भीड़ क्यों इधर इकट्ठी हुई है? ए की हो गया है? ओहो शांति, ए देख पानी रोक, पानी रोक। ओ जी गंगा बह रही है यहाँ तो। ये आपके पड़ोसी मद्रासी नलका खुला छोड़ के चले गए कहीं। इस तरह से पूरा टैंक खाली हो जाना है और शाम तक पानी भी नहीं आना। ओ किसी ने कॉल लेना था, फोन नंबर है? अरे तोशी जी नए नए आए हैं ये, इनका नंबर किसी के पास नहीं। इन मद्रासियों को तो ना निकाल देना चाहिए इस बिल्डिंग से, जब से आए कोई ना कोई नुकसान कर रहे हैं। मुझे पता है, पता है क्या, ये बाहर इसने टेंट लगा हुआ देखा ना तो जल गई मेरी खुशी से। जानबूझ के मुझे तंग करने की खातिर ना ये नल के खुले छोड़ के चली गई है। पर आज मेरे पुत्र के लिए रखा होया ये जग राता, जे इसने खराब कीता ना ते मैं इसका खून पी जाऊंगी। हाँ जी मम्मी। बस अंदर आ रहे। अरे रागिनी। हेलो ईशु, सुब्बू हाउ आर यू, कैसी हो? ये ठीक है, पूछने के लिए थैंक यू। चलो ईशु यहां से चलो। सुब्बू यहां क्या कर रहा है? वो मुझे तो पता ही था। इट्स नॉट फेयर बाला, हमने क्लियरली डिसाइड किया था कि कोई भी फंक्शन होगा तो या तो इशिता आएगी या सुब्बू। डोंट यू अंडरस्टैंड बाला,
उन दोनों की एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी। 15 साल की उम्र से एक दूसरे को जानते हैं और फिर एंगेजमेंट टूट गई। एटलीस्ट ये एम्बैरेसमेंट तो अवॉइड कर ही सकते थे। अरे ये क्या कह रहे हो तुम, क्या कह रहे हो तुम? प्लीज चुप रहो, बोलो मत कुछ। ये भाई है, बेटा है इस घर का, मेरा बेटा। तुम बहू हो मेरी, लेकिन इसको अपने ही वाइफ के साथ अपने ही घर में फंक्शन में आने के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत होगी? इतनी ही चिंता थी ना तो अपनी बहन को मना कर देती इस घर के फंक्शन में आने से। आप मेरी बेटी के साथ इस तरह से बात मत कीजिए प्लीज। बुरा लगा? मेरे बेटे का अपने घर में आना आपकी बेटी को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं अपनी बहू को बोल रही हूँ। मैं आपके बेटियों से कुछ नहीं कहूंगी, कुछ भी नहीं। वैसे कहती भी क्या, ये तो वैसी ही बेचारी है, शादी टूट गई है, बच्चा अडॉप्ट कर रही है। क्या, ये क्या बोल रही हो आप? कौन बच्चा अडॉप्ट कर रहा है? आप कुछ भी मत बोलिए। तो ये भी बात आपको पता नहीं थी क्या, कोई सीक्रेट था? ओह सॉरी सॉरी सॉरी। लेकिन ऋषि तो बाला से बोल रही थी कि वो बच्चा अडॉप्ट कर रही है ना बाला? बोलो बाला, बाला बोलो। ये सबको बताना नहीं था? कोई बात नहीं, चलेगा। क्या है, जिनके खुद के बच्चे नहीं होते वो अडॉप्शन ही करते हैं। कोई बात नहीं, एक गरीब बच्चे को घर मिलेगा और आपके बेटी का टाइम पास भी हो जाएगा। ये आप क्या बोल रही है? मैं कुछ नहीं बोल रही, इसका मतलब आप कुछ भी बोले? क्या बात हो, मैं बात कर रही हूँ ना, तुम सुन रही हो ना, मैं अपनी समगन के साथ बात कर रही हूँ। आप नाराज क्यों हो रही हो? अरे नाराज मत हो ना, आपकी बेटी कोई बुरा काम नहीं कर रही है, अच्छा काम कर रही है। और क्या है, एडॉप्टेड बेटे का भी उपनयन होता है। हाँ लेकिन उस उपनयन में मेरा सुब्बू नहीं आएगा। हाँ कर लेना एडॉप्टेड बच्चों का उपनयन। आप जो कुछ भी बोल रही है वो आप सुन रही है? कैसी कैसी बातें करती है? आपको समझ में आता है आप क्या बोल रही हो? मेरे बेटे का मेरे ही घर आना आपको बुरा लग रहा है? आप सबको बुरा लग रहा है? बोलिए, मैं पूछती हूँ क्या गलती है मेरे बेटे की? अरे गलती तो आपकी बेटी की है, कमी आपके बेटे में है। मेरा बेटा खुश रह सकता है, बाप बन सकता है, वो बन सकता है क्या, और हो भी रहा है। अरे मैं तो भूल ही गई, मेरी बहू से आपको इंट्रोड्यूस कराना। रागिनी, वो प्रेग्नेंट है, मेरे सुब्बू का बच्चा। मेरे सुब्बू के पास ऑप्शन था, लेकिन आपकी इशू के पास एडॉप्शन के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है। ऐसा मत कहिए कि मेरी इशू के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी इशू के पास ऑप्शन है। मेरी इशू के पास सुब्बू से भी बेटर ऑप्शन है। मेरी इशू को कोई मिल गया है। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अमीर है, स्मार्ट हैंडसम है ना ईशु? बताओ ना इनको रमन के बारे में। कैसे तुम दोनों इंटरनेट पे मिले, कैसे बात आगे बढ़ रही है, पता ना, मुंह बंद करना इनका। अम्मा क्या कह रही हैं? तुम मिली है किसी से? कब? बोल ना ईशु, बोल। मुझे कोई मिल गया है, मिल गया है। विश्वा, ये इतने सारे फूल किसने लगाए? जरा आन लें दो मेरे रमन पुत्र को, फिर वो बताएगा इन मद्रासियों को। ओए, ओए
आ गई छम्मक छल्लो सारा टैंक खाली कराने के बाद। और मैनू पता है कि इसने सारा कुछ जानबूझ के किया है। पता नहीं अपने आप को समझती क्या है। आज तो मैं इसको मजा चखा के रहूंगी। मजा तो चखाना ही पड़ेगा तोशी जी। और ये कोई तरीका होता है? दसो जी। हाँ जी, मखौल बना के रख दिया है इन लोगों ने सबका। ये इडली डोसा खाने वाले लोग मेरा चित्रका खराब कराएंगे। गल कर दो जी मैनू। ओए रुक जा। ओए किधर जा रही है? आटो आम को हमारे घर जाने दो। आम बहुत टायर्ड। ओए तू टायर है और टायर तो हम है सब तुझसे। पूछो इनसे, हम सब तेरे टायर है। टायर नहीं टायर्ड, टायर तो गाड़ी का। एक तो गलती करती है और ऊपर से फिर हंसती है। टीथ कमिंग आउट। से हाँ जी, आज गलती आप ही की है। सारा पानी बह गया, ये क्या तरीका हुआ? अच्छा तो अभी आप अकेले झगड़ा नहीं कर सकती, इसलिए पूरे क्राउड को साथ लेके आई। ओए किसी गलत फहमी में ना रहना। आज जो तूने किया है तो इन सबको भी बड़ा गुस्सा आया इतनी पैड़ी हरकत पे। वरना तेरे लिए और तेरे लिए तो मैं ओनली कल्ली काफी हूँ। अरे क्या बोल आप? मधु इतना घंटे बल्ले बल्ले वटम। ओए देखो जी, बात शुरू नहीं हुई, गालियाँ देना शुरू कर दी अपनी मद्रासी में। पल्ले वल्ले वटा। चलो मामा प्लीज अंदर चलो ना। ओए छोड़ तू, इनको बता के हमने इनको कितने फोन किए और इसकी बेटी को। ओ बता बता। हाँ बहुत फोन किए थे और फिर ऊपर से फोन बंद करके बैठ गए। देखिए जी, वो क्या है कि हम लोग थोड़ा बिजी थे। ओए होए बिजी थे? और तेरी बेटी? वो भी बिजी थी। अच्छा वो भी बिजी थी है? तू अलग गई, तेरी बेटी अलग गई थी, फिर भी इतनी बिजी थी कि फोन भी नहीं उठा सकी। ओए ऐसे किस काम में बिजी थी? ओए तेरी वजह से पूरी सोसाइटी में जलथल हो गया। अगर तू फोन उठा लेती ना टाइम पे तो ये पूरी सोसाइटी ऐसे पानी पानी नहीं हो जाती। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? रूही तुम यही मुत्तू के साथ बैठना। ओके। जय माता दी जी। जय माता दी। देखो जी देखो, रमन का स्वागत करने के लिए इंस्पेक्टर साहब आए। आइए जी। जी आया नू। ओ जी बंद करो ये सब। रब्बा आप ये जगराता बंद कराना चाहते? ये तो माता रानी का जगराता है जी। मैं कोई जगराता ना बंद करा रहा, मैं म्यूजिक बंद करा रहा हूँ म्यूजिक। और आपने इतना भी नहीं पता कि 10:30 डेडलाइन है और आपके पड़ोसियों ने आपके खिलाफ कंप्लेंट कर रखी है। सरकार ने लाउड स्पीकर बजाने के लिए टाइम लिमिट तय की है 10:30 और अभी 11 बज रहे हैं। 11 और जी बंद करो ये सब। बिल्कुल सही कहा सर आपने। आई कंप्लीटली अग्री विद यू। गलती मेरे माँ बाप की है। मॉम डैड? वेरी पुना मॉम, वेरी पुना डैड। खुश रहो। एंड आई ऑल्सो अग्री विद द नेबर्स, दिस म्यूजिक इज अ न्यूसेंस विच शुड बी स्टॉप्ड। बट इफ यू जस्ट गिव मी 5 मोर मिनट्स, आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी एस्टीम्ड गेस्ट हु ऑल्सो हैपेंस टू बी अ एसीपी। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। मानता हूँ गलती मेरे माँ बाप की है, पर क्या है बहुत खुश हैं वो। मैं काफ़ी अरसे बाद दिल्ली लौटा हूँ इसलिए। लेकिन अगर आप मुझे 5 मिनट देंगे तो मेरे एक बहुत अजीज मित्र हैं तुम्हारे एसीपी, बस आते ही होंगे। तेरा मतलब है कि एसीपी बख्श साहब? ऑब्वियसली उन्हीं की बात कर रहा हूँ। क्या इससे पहले वो बॉम्बे में थे, उनका काफी सारा काम हमने करवाया। उन्होंने कहा था अगर दिल्ली और कोई तकलीफ हो तो हमें याद करना, और याद किया उन्होंने आज। भाई तू एक बात बता, वाकई एसीपी साहब इधर आने वाले हैं? मेरा चेहरा देख के लगता है कि मुझे झूठ बोलने की आदत है। नहीं मानते तुम, कहो तो फोन कर लूं या बंद कर दूं उनके आने से पहले। चलो ठीक है, उनके आने से पहले बंद कर देते हैं सब। ए बंद करो ये सब, निकलो ये सब, आप लोग निकलिए। रुक रुक रुक, रहने दो भाई। आप करो, आप पूजा करो, आप जगराता करो, आप म्यूजिक बजाओ। मैं नहीं रुकता, मैं जा रहा हूं यहां से। आप करो। अब पड़ोसी का क्या है, पड़ोसी तो ओवर एक्ट करते ही है ना, आप करो ना। सुपर, तो जब आप मुझे परमिशन दे रहे हैं तो मैं भी आपको कुछ देना चाहूंगा। क्या है, प्रसाद के साथ साथ चढ़ावा लेना जरूरी होता है। पैसा आपसे रख लीजिए, माता के दरबार में आए हैं, शगुन समझ के रख लीजिए। धन्यवाद, आप एसीपी साहब को हमारा भी नमस्कार कहिएगा। चलते हैं। चलो जी चलो, सारे लोग चलो।
और चलो जी बजाओ जी बैंड बाजा, बजाओ बजाओ बजाओ। तूने किसी को बुलाया था क्या? वो बख्शी? हाँ माँ, मैं बख्शी को जानता हूँ, लेकिन वो बॉम्बे में है, यहाँ नहीं है। हाय रब्बा, तो तूने झूठ बोला जागरण में जाने से पहले? माँ झूठ कहाँ बोला है, सिर्फ सच को थोड़ा सा मरोड़ दिया है। तो इन्हें पैसे देने की क्या जरूरत थी? क्योंकि माँ इस दुनिया में पैसे से सब कुछ हो सकता है, रिश्वत दो तो हर काम बन जाता है, देखा ना आपने अभी। अब चलिए आइए। हाँ मैं तुझे अपनी फ्रेंडा दे नाल मिलावा, आजा आजा। सिर्फ पैसा ही इसके लिए सब कुछ है, कितना घमंडी इंसान है। कुली सामान उठाओ ना, इस बैग और इसका 100 रुपया लगेगा। ठीक है उठाओ सामान, लड़की देखी नहीं तो तंग करना शुरू कर। चलो मैडम रास्ता छोड़िए ना। मैं दे चुका हूँ। आई इंसिस्ट, मैं यहाँ आपके साथ में कॉफी पीने नहीं आई थी, आपकी बेटी रूही के बारे में बात करने आई थी। आयो सौम्या, मुझे लगता है उन दोनों के बीच कुछ झगड़ा हो रहा है, नहीं आर्ग्यूमेंट है, उसको क्या कहते हैं वो लवर का टिफ। मुझे तो अभी लग रहा है कि वो इंटरनेट वाला ही लड़का है, मैं अंदर जाने का ट्राई करती हूँ। अगर आप हिसाब की इतनी पक्की है तो मैं भी उतना ही पक्का। रूही ने तुम्हारा ब्रेसलेट तोड़ दिया था, उसके बदले ये ब्रेसलेट ले। नहीं चाहिए। वही है सौम्या, वही है रमन। अच्छा रमन है? मर्जी आपकी, चाहे यहाँ ले लो या आपके घर पहुँचा। चिंतंग आए, टेबल पर कोई बॉक्स है, ज्वेलरी बॉक्स, लगता है कोई गिफ्ट है इशू के लिए। अक्का आप अभी कहाँ भी वहां से निकले? ओके ओके। और वैसे भी आपके 5 मिनट खत्म हो चुके, कैंटे के लीव ना। वो भी कड़े हो गए, मैं भी निकालती। मुझे भी यहाँ खड़े होकर आपसे बातें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चॉइस इज योर्स। हेलो माय प्रोडिजी, आजकल बहुत तरक्की कर रहे हो तुम। ओ टू बिजनेस जायंट्स, मिस्टर अशोक खन्ना, हेलो मिस्टर रमन कुमार भल्ला, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? ऑफ कोर्स, रमन ने मेरे अंडर ही अपना करियर शुरू किया था। ओ ग्रेट सक्सेस। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मेरी ट्रेनिंग, इसकी मेहनत और थोड़ी सी किस्मत और इतना सारा सक्सेस। बिल्कुल सही कहा तुमने। Could you excuse us for a second, please? Enjoy the party, guys. तुमसे बहुत कुछ सीखा अशोक, लेकिन तुम्हारे साथ काम करके नहीं, तुम्हें काम करता हुआ देखकर। That's very well said, my boy. मुझे देख-देखकर इतना सीख गए कि आज मेरे सामने खड़े हो कंपटीशन में। I've heard next project में हम against हो रहे हैं एक दूसरे के। भाई मजा तो आएगा। और अगर बीच में एक पर्सनल ट्रैक भी। अच्छा अपनी कंपनी में तो तुम बहुत तरक्की कर रहे हो। Almost, मेरे लेवल पर आ ही गए हो। तरस आता है तुम पे अशोक, तुम्हारी गलत फहमियां पालने की आदत अब तक गई नहीं।
तुझ जैसे आदमी के लेवल पे पहुंचने के लिए मुझे उठने की नहीं गिरने की जरूरत थी। यू नो व्हाट, लोगों ने मुझे बोला था कि रमन बदल गया, पर आज मैं तुझे देख रहा हूँ ना तो मैं यकीन कर रहा हूँ। वो पहले क्या होता था, तू वो चंपू बाल और ऐनक लगा के गंदी सी हंसी तेरी, गंदे जोक, और वो तोंद, वो कैसे करता था तू? सर यू ग्रेट सर, सर यू ग्रेट सर। वो गंदे बाल, गंदे चश्मे, गंदी तोंद, और उसके साथ साथ बहुत सारी और गंदी चीजें मेरी लाइफ से चली गई, और एक अच्छी चीज, एक लेट हो गया ना जान, इट्स टाइम फॉर अस टू गो होम। फिर तुम्हें भी पता चलना चाहिए कि बॉस बॉस होता है। लेट्स गो। व्हाट आर यू डूइंग? क्यों एम्बैरेस होगी अपने एक्स हस्बैंड को देख के? यू नो व्हाट ही वाज सेइंग? वो बोल रहा था कि जिंदगी से सारी बुरी चीजें निकल चुकी हैं। आई जस्ट वांट टू शो हिम व्हाट ही लॉस्ट। चलें।